फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूँ अजिंता केव, जो 2000 साल पुरानी केव है, जो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर में स्थित है। यहाँ पर टोटल 30 केव है, जिसकी हिस्ट्री मैं बताने वाला हूँ। यह जगह पर आप कैसे जा सकते हो, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, कर सकते हो, यह पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। छत्रपति संभाजी नगर में डे 3 की जर्नी, जो अजिंता केव जाने वाला हूँ, और मेरे डे 1 और डे 2 का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने पूरी जानकारी आपके साथ शेयर की, जैसे कि होटल और फूड कहाँ अच्छा मिलता है, और डे 1 में हमें कहाँ जाना है, डे 2 में कहाँ घूमना है। इसी प्रकार आज मेरा लास्ट डे है औरंगाबाद में, जो मैंने प्लान किया था 2 नाइट्स 3 डेज का, तो आज का मेरा ये आखिरी दिन है। तो आज मैं जाने वाला हूँ अजिंता केव। तो आप ये तीनों वीडियो देखे होगे तो आपको औरंगाबाद एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो शुरू करता हूँ मैं आज की मेरी जर्नी। जैसे कि अजिंता केव जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो औरंगाबाद सेंटर बस स्टेशन से आप अजिंता केव जा सकते हो, जिसकी दूरी है 97 किलोमीटर, जो हमें 2.5 घंटे की डिस्टेंस हमें तय करना होता है, तो 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे अजिंता केव। और दूसरा ऑप्शन है जलगांव। जलगांव से अजिंता केव की डिस्टेंस है 68 किलोमीटर, जो हमें 2 घंटे में तय करनी होती है। औरंगाबाद से आपको ऑटो या कैब या टू व्हीलर या फिर एसटी बस, ये 4 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे अजिंता केव जाने के लिए। तो उसमें सबसे सस्ता ऑप्शन है एसटी बस, और ऑटो कैब का और टू व्हीलर का जो किराया है वो मैंने एक इन्फॉर्मेशन चार्ट बनाया है, तो आप उस चार्ट में जाके देख सकते हो ऑटो का और कैब का क्या चार्ज होगा पर डे का, और टू व्हीलर का चार्ज क्या होगा जो रेंट पे हमें मिलती है। तो बेस्ट ऑप्शन तो एसटी बस ही है, जो आपको वन वे जाने के लिए 160 रुपीस टिकट है उसकी, और आने के लिए भी 160 रुपीस टिकट है। तो आप एक जन आकर और जाकर 320 रुपये में आपकी ये जर्नी आप तय कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन है एसटी बस। और इस वीडियो में मैंने मेरे चार्ट भी बताई है, जो डे 3 में क्या कॉस्ट रहने वाला है, और ये दोनों जगह का टाइमिंग क्या है, ओपनिंग टाइमिंग क्लोजिंग टाइमिंग क्या है, कौन से दिन बंद रहती है अजिंता केव, यह पूरी इन्फॉर्मेशन वो चार्ट में दी है, तो आप वो चार्ट को प्रिफर कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरी छत्रपति संभाजी नगर में लास्ट डे है, जो है डे 3। आज अजिंता केव के लिए मैं जाने वाला हूँ, तो अर्ली मॉर्निंग में उठा हूँ, और मेरे आज होटल का चेकआउट डे है, तो आज मैं मोदी सम्राट होटल्स को बाय बाय करने वाला हूँ, जो मैंने 2 नाइट्स 3 डेज के लिए ये होटल को बुक किया था। तो अभी सुबह सुबह मैं जाने वाला हूँ औरंगाबाद सेंटर बस स्टेशन, जो मेरे होटल से 5 मिनट की दूरी पर, और सुबह फर्स्ट बस है जो अजिंता केव के लिए जाती है, जिसका टाइमिंग है 5 बजे। 5 बजे से बस शुरू होती है, और हर आधे घंटे में सेंटर बस स्टेशन पर आपको अजिंता केव के लिए बस मिल जाएगी, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और जल्दी पहुंचोगे तो आपका पूरा दिन जल्दी एक्सप्लोर हो जाएगा। आपको यह बस 14 नंबर फ्लैट से मिलेगी, और यह बस की और यहाँ इसकी टिकट 160 रुपये है वन साइड की, और इसकी जर्नी है 2.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे अजिंता केव।
आप देख सकते हो सामने से ट्रक आ रहा है, तो इसी साइड में आपको उतरना है और फिर नीचे जा और साइड में आपको स्टॉप दिखाई देगा और बाजू में ही आपको बोर्ड लगा हुआ है अजंता केव लिखा हुआ, और आपको वहाँ से ही टी पॉइंट की और जाना है जो लेफ्ट साइड में है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो और एक बुकिंग सेंटर मिलेगा जहाँ 15 रुपये की आपको टिकट लेना है और फिर आगे प्रवेश करना है। डायरेक्शन में जाना है हम लोग के, फिलहाल लेफ्ट साइड में जाना है आपको और क्लाइमेट की वजह से काफ़ी अच्छी होने वाला है, जगह काफ़ी ठंडा है और यहाँ टू व्हीलर पार्किंग है, चार्ज वगैरह दिया हुआ है, टाइमिंग भी लिखा हुआ है, इसी प्रकार आपको फॉलो करना है और हमको ये डायरेक्शन में जाना है। इधर पार्क बुकिंग काउंटर है, कुछ पर्यटक आए हुए हैं के लंगोरी कहा जाता है, लंगोरी जस्ट स्टार्टअप फाइनली क्लाइमेट अच्छा होने के कारण काफ़ी मज़ा आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है। बसेस भी खड़ी है, बिग भी पार्क कर सकते हो, अच्छे लोगों का गार्डन। ऐसे माहौल में एंजॉय करने का बात ही कुछ अलग होने वाला है और ये मेन एंट्री यहाँ से करना है आपको डाउन साइड में, हवा देख सकते हो आप कितना चल रहा है, एक प्लाजा लिखा हुआ है शटल बस, इस प्रकार का कुछ भी मिलेगा आपको, फूड स्टॉल वगैरह शॉपिंग स्टॉल वगैरह सब देखने मिलेगा आपको। और इधर ऑलरेडी लिखा हुआ है अजिंठा विश्राम गृह इस तरफ है और सेंट्रल बस हमें इस तरफ जाना है, इस प्रकार का कुछ शॉप्स वगैरह बना हुआ है, काफ़ी लोग आए हुए हैं अभी, टॉयलेट्स वगैरह इधर दिया हुआ है, तो इस टॉयलेट्स वगैरह और जो मेन रास्ता है शटल के लिए वो ए रास्ता है, वहाँ से बस रुकी होती है और ये पॉइंट पे मिलेगा। ओके फ्रेंड, सेटल बस का और पीछे कुछ लोग फोटोस ले रहे हैं। ओके, परिसर है ये, हमारे दोस्त हाय यूट्यूबर्स, हाय हाय, और यहाँ इधर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पहली बस जो है 8:45 को स्टार्ट होती है, लास्ट बस है जो 6 बजे निकलती है। ओके, और कुछ इस प्रकार का कॉस्टिंग दिया हुआ है, एसी बस भी चलती है इधर 30 रुपीज़, नॉन एसी बस है 25 रुपीज़, टिकट इशू एज बस डिपार्ट, जब बस डिपार्ट होगा तब टिकट इशू किया जाएगा और ये सब कुछ इंफॉर्मेशन इधर दिया हुआ है। और इधर प्रतीक्षालय भी अलग अलग बना हुआ है, ठीक है, आप यहाँ आके थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हो। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा परिसर है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं बस की, तो
फाइनली हमारा टूर स्टार्ट हो रहा है अजिंठा के लिए और ड्राइवर साहब आगे हमें बैठने की जगह मिल गई है। कितना मिनट लगेगा यार? 10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। रश काफी है। तो मैं पहुंच चुका हूं अजंता क्यों, जो मैं बस से आया हूं। अजंता गल का टाइमिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक यह खुला होता है और सोमवार को यह बंद रहता है। और आप अजंता क्यों के अंदर जाते ही आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा और लगेज चेकिंग भी होती है इधर। तो आपको सब लगेज चेकिंग करने के बाद में टिकट लेके अंदर की ओर जाना है। टिकट मिलता है यहाँ, लगेज के लिए भी काउंटर दिया हुआ है और यहाँ से टिकट लेना है। ओके, इस नगर का परिसर है तो मैं टिकट ले रहा हूँ। टिकट काउंटर है, 40 रुपीज़ का टिकट लेने के बाद में यहाँ से एंटर करना होगा। कैसे टिकट बाजी है की ओर जाने का रास्ता और फूड रेस्टोरेंट है MTDC का, यहाँ स्नैक्स वगैरह कर सकते हो। और अजंता क्योंकि हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ। 28 अप्रैल 1819 में एक ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ पर शिकार के लिए आया था जिसका नाम था जॉन स्मिथ। तब उन्हें केव नंबर 10 का रास्ता दिखाई दिया। वहाँ के लोकल नागरिक ने जॉन स्मिथ को केव तक लेकर गया। वहाँ के नागरिकों को यह केव के बारे में जानकारी थी। इस तरीके से सभी केव की जानकारी प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार यह केव की हिस्ट्री थी जिसे अजंता केव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जाना जाता है। और दो रूट था तो मैंने ये रूट चॉइस किया। और अजंता केव के हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें आपको मैं बताता हूँ। यह केव को दो फेज में बनाया गया था, एक तो 2nd सेंचुरी BC में और दूसरा 4 to 6 AD के बीच में। यह केव 2000 साल पुराना है। इतने पुराने होने के बावजूद काफी सुंदर है। यहाँ पर टोटल 30 केव है जो यू शेप में है। इनमें से कुछ केव अनफिनिश्ड है और कुछ केव बहुत ही सुंदर है, पेंटिंग है। और कुछ केव में कोतरकाम की हुई मूर्तियां है और कलाकृति आपको देखने मिलने वाली है। और कुछ पेंटिंग्स भी देखने मिलेंगे और कुछ पेंटिंग खराब भी हो चुका है, बट यह केव में देखने में यह केव आप देख के आप काफी खुश होंगे। तो हम केव एक्सप्लोर करते हैं। तो यह आप देख सकते हो केव नंबर 1, इसे विहार केव कहा जाता है। यह केव में पेंटिंग के लिए जिसमें पद्मपनी और वज्रपनी पनी नाम से यह पेंटिंग आपने देखी होगी। यह अजंता केव की परिचित पेंटिंग है। यह केव में एक हॉल है और गौतम बुद्ध की मूर्ति है।
अभी मैं जा रहा हूँ केव नंबर 2 की ओर, जहाँ पर प्रकाश अंदर ना जाए और पेंटिंग खराब ना हो इसके लिए कपड़ा लगाया गया है पेंटिंग को यहाँ सेफ रखने के लिए। अभी हम अंदर जाते हैं। यहाँ पर एक वर्डा है और एक सीलिंग है। सीलिंग पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग है और वॉल पर भी आपको भगवान बुद्ध की पेंटिंग देखने मिलेगी यह क्यों में, और यह काफ़ी फेमस है और यह क्यों सीलिंग पेंटिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। केव नंबर तीन में पेंटिंग नहीं है मगर बड़ा सा हॉल देखने मिलेगा और बड़े बड़े स्तंभ देखने मिलेंगे और अंदर जाते ही आपको इको साउंड आपको सुनाई देगा। अगर आप चिल्लाओगे तो दोबारा आपको आवाज़ सुनाई देगा। वहां पर सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति देखने मिलेगी। केव नंबर 5 यह केव अनफिनिश्ड केव है जिसमें गुफा बनी हुई है। अभी जा रहे हैं केव नंबर 6। यह केव 2 फ्लोर से बनी हुई है। अंदर जाते ही आपको भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्ति दिखाई देगी और कुछ स्तंभ भी दिखाई देंगे। अंदर जाते ही अंधेरे सी रोशनी में काफी सुंदर दृश्य दिखाई देगा और यहाँ पर कुछ पेंटिंग भी है बट खराब हो चुकी है। और जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो यहाँ कोतर काम की हुई काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ आपको दिखाई देगी भगवान बुद्ध की, जो काफ़ी सुंदर है। अभी हम जा रहे हैं केव नंबर 7 जो आपको बाहर एंट्री पॉइंट पे ही 4 बड़े स्तंभ दिखाई देंगे और अंदर जाते ही आपको सीलिंग में कुछ पेंटिंग दिखाई देगी। अनुवाद थोड़ी खराब हो चुकी है। सामने ही भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई देगी, वह भी अच्छी कोतर काम की हुई दिखाई देगी। यह केव समय बाहर का दृश्य काफी अच्छा सुंदर दिखाई देगा। अब केव नंबर 8 यह केव बंद है और यहाँ पर आप
पानी की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ आप पानी पी सकते हो। और अभी आप देख रहे हो क्यू नंबर 9, यह चित्र हॉल है जिसमें के अंदर जाते ही सुपा देखने मिलेगा। और इसके एंट्री पॉइंट में काफ़ी सुंदर कुत्रिकाम क्यू ही मूर्तियां है जो एंट्री गेट पे है, जो काफ़ी सुंदर है। यह क्योंकि अंदर भी पेंटिंग भी है, मगर पेंटिंग खराब हो चुकी है और कुछ पेंटिंग है जो देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है। और यह पेंटिंग का मैसेज यह है कि उस समय की जो रचना थी उस प्रकार यह पेंटिंग में दर्शाया। और यह क्योंकि अंदर काफ़ी खूबसूरत दृश्य दिखाई देगा और पिलर पे भगवान बुद्ध की पेंटिंग भी दिखाई देगी, तो ये काफ़ी सुंदर देखने में मिलती है हमें। क्यू नंबर 10 जो सबसे पहले बनाई गई थी, यह क्यों, यह भी एक चित्र हॉल है जिसमें एक सुपा है और 39 स्तंभ है और कुछ पेंटिंग है और कुछ खराब हो गई है। इसमें जो पिलर है उस पर गौतम बुद्ध की पेंटिंग भी आपको देखने मिलेगी जो काफी खूबसूरत है। और यह क्योंकि बाहर आप जाते ही आपको काफी सारे बंदर भी देखने मिलेंगे। अभी क्यू नंबर 11 की ओर बढ़ रहा हूं मैं, तो आप भी देख सकते हो क्यू नंबर 11। क्यू नंबर 11 के अंदर जाते ही आपको सीलिंग पर कुछ पेंटिंग दिखने मिलेगी जो कुछ अच्छी है तो कुछ खराब हालत में है। और अंदर जाते ही आपको सुंदर गौतम बुद्ध की मूर्तियां दिखाई देगी और कुछ स्तंभ भी देखने मिलेंगे। यह क्यों में मेडिटेशन के लिए रूम भी दिए गए हैं जो बौद्ध संत इसका इस्तेमाल करते होंगे। अभी केव नंबर 12 की ओर जा रहा हूँ। यह एक ओपन केव है, यहाँ पर बुद्ध संत रहा करते थे यह केव में। केव नंबर 13, यह केव एक रहने के लिए जगह जैसी है और वह अभी बंद है। नंबर 15, यह क्यों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां है और अंदर हॉल जैसी जगह है और कुछ संतों के लिए रहने की भी व्यवस्था यह क्यों में की गई है। केव नंबर 14, यह एक अनफिनिश केव है और यहाँ पर अंदर गुफा जैसी जगह है। नंबर 16, यह क्यों जाने से पहले हाथी की मूर्ति आपको दिखाई देगी जो चट्टानों में कुत्रिकाम की हुई है, जो काफी सुंदर देखने में लगती है हमें। और आगे जाते ही आपको भगवान की मूर्ति भी दिखाई देगी और कुछ स्टेप्स चढ़कर ही ऊपर की ओर जाते ही आपको काफी सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखाई देगी और कुछ स्तंभ भी है यहाँ यह क्यों में। यह क्यों पुराने पेंटिंग के लिए प्रचलित है, कुछ पेंटिंग है कुछ खराब हो चुकी है। यहाँ पेंटिंग में भगवान बुद्ध की जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है इस पेंटिंग में। यह
केव में कुछ ही पेंटिंग बची हुई है, बट उस ओवर पेंटिंग को आप देखोगे तो भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में अच्छी खासी आपको जानकारी मिल जाएगी। केव नंबर 17, यह केव 16 की तरह ही है। यहाँ आप सीलिंग पे पेंटिंग देख सकते हो, उसे व्हील ऑफ फ्लाई कहा जाता है। यहाँ पर अंदर 20 पिलर है जिस पर पेंटिंग की गई है और अंदर काफी सुंदर दृश्य आपको देखने मिलेगा। मैं आगे की ओर जा रहा हूँ जो केव नंबर 18 है और जो काफी छोटी केव है अजंता की। केव नंबर 19, यह एक महानाय प्रिय का चित्र हॉल है और इसका एंट्री गेट काफी सुंदर है। एंट्री गेट पे काफी कोतर काम की हुई मूर्तियां आपको देखने मिलेगी और अंदर जाते ही आपको चैत्यगिरी केव देखने मिलेगी यानी प्रार्थना हॉल। यहाँ पर बुद्ध संत प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। अजंता में काफ़ी चैत्र हॉल है, उनमें से एक केव नंबर 19 सबसे अलग है और यह एक छतरी के रूप में इसकी सीलिंग है देखने मिलती है और काफ़ी सारा कोतरकाम की हुई गई मूर्तियाँ देखने मिलेगी यह केव में। और यह केव के अंदर आपको एक सुपा देखने मिलेगा, उसमें भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। अभी केव नंबर 20, तो यह केव एक मोनेस्ट्री हॉल है जो 5वीं सदी में बनाई गई थी। अंदर आपको खूबसूरत भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखने मिलेगी और कोतरकाम की हुई स्तंभ भी देखने मिलेंगे। कुछ पेंटिंग भी है पर कुछ पेंटिंग खराब भी हो चुकी है और इसके सीलिंग पर आपको काफ़ी अच्छी पेंटिंग दिखाई देगी। और जब आप इस यह केव में कुछ बातें करेंगे तो उसका साउंड, इको साउंड आपको महसूस होगा जो सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी केव नंबर 21, यह एक बंद हॉल है और काफ़ी बड़े पिलर देखने मिलेंगे। भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखने मिलेगी यह केव में और साथ में ही अप्सरा, नागराज और नागरानी की मूर्तियां देखने मिलेगी। कुछ पेंटिंग भी है और कुछ खराब भी हो चुकी है। केव नंबर 22, 23, 24 ए अनफिनिश्ड केव है जो अंदर से सिर्फ गुफा जैसे आपको दृश्य देखने मिलेंगे। और अंदर आप कुछ भी बातें करेंगे तो इको साउंड जैसा आपको फील होगा। अब अब चलते हैं केव नंबर 25 की ओर। तो यह केव अनफिनिश्ड केव है और एक अंदर आप काफी बड़ी गुफा देखने मिलेगी। चलते हैं केव नंबर 26। तो आप देख रहे हो एक केव नंबर 26 है जो काफी बड़ी केव है
और अब यह मेन गेट जो है उसमें काफी कोतरकाम किया हुआ दृश्य आपको देखने मिलेगा। और यह क्यों नंबर 19 की तरह ही दिखाई देती है, मगर उसमें से ए बड़ी क्यों है। ऐसे कहा जाता है कि यह चैत्र गृह बनाते समय उन्होंने कोतरकाम की हुई मूर्तियां ज़्यादा बनाई थी यह क्यों में, क्योंकि पेंटिंग ज़्यादा सालों तक टिक नहीं सकती है। तो यह सोच के अनुसार यह क्यों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोतरकाम की हुई मूर्तियां देखने मिलेगी, जो काफ़ी सुंदर है। और उसमें भगवान बुद्ध की आपको सोए हुए रूप में मूर्ति देखने मिलेगी, जो काफ़ी सुंदर देखने में लगती है। आप यह वीडियो में देख सकते हो। और यह क्यों में भगवान बुद्ध की जीवन शैली के रूप में काफ़ी कोतरकाम की हुई मूर्तियां देखने मिलेगी। तो हमें यह बात जागरूक कराती है कि गौतम बुद्ध की जीवन शैली कैसी रही होगी। और यह एक चैत्र हॉल है, इसके अराउंड आपको प्रदक्षिणा करने को भी मिलता है लेफ्ट टू राइट। तो केव नंबर 27 और 28, तो यह केव फिलहाल बंद है क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुई थी, इस वजह से आगे हम एक केव को देख नहीं सकते। तो टोटल 30 केव में से आप लास्ट केव है जो है 26, जो काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ हमारी केव की जर्नी ख़त्म होती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, सभी केव एक्सप्लोर करने के बाद में हम अभी जाएंगे टॉप पॉइंट की ओर। तो टॉप पॉइंट से हमें पूरा जो यू शेप है वो दिखाई देगा सब केव का। तो उसके लिए हमें पहले जाना होगा जो मैप पॉइंट दिया गया है। तो मैप पॉइंट की ओर जाने के लिए आपको एक ब्रिज क्रॉस करना होगा। तो उधर एक मैप पॉइंट दिया गया है, फिर वो मैप पॉइंट के बाजू में ही एक सीढ़ियाँ बनी हुई है, उस स्टेप्स को ऊपर चढ़ के हमें टॉप पॉइंट की ओर पहुँचना होगा। अभी इतना क्यों एक्सप्लोर करने के बाद मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। तो यहाँ से फॉरेनर लोग आए हुए हैं, फॉरेनर लोग आए हुए हैं। और इधर ये आप देख रहे हो, ये सेम एरिया पूरा घुमाऊँ मैं, आपको दिखाता हूँ मैं। और ये सब एरिया घूम के आया हूँ मैं, तो लास्ट पॉइंट है मेरा, और जाके फिर रिटर्न हो जाऊँगा। चलना काफ़ी है, बट अर्ली मॉर्निंग आओगे तो थकावट नहीं लगेगा, जैसा धूप बढ़ेगा वैसा थकावट बढ़ते ही जाएगा। आप पीछे देख सकते हो, बस देखने मिलती होगी आपको। वो स्टेप चढ़ने के बाद में थोड़ी थकान भी लगी, पर हम फाइनली टॉप पॉइंट तक पहुंच चुके। तो आप ये देख सकते हो, ये टॉप व्यू है जहां से काफ़ी सुंदर दृश्य आपको देखने मिलने वाला है। और ये काफ़ी बड़ा एरिया है और फ्लैट सरफेस है, और ये पूरा सरफेस आपको अगर एक्सप्लोर करना है तो कम से कम 1 से 2 घंटा आपको लग सकता है। और ये टॉप पॉइंट के बाद में और एक टॉप पॉइंट भी दिया गया है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो, बट वहाँ मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे को और मेरे टाइम के हिसाब से और फिट नहीं होता है। तो आप देख सकते हो व्यू 360 डिग्री की ओर, और बारिश में यहाँ का नज़ारा तो कुछ मनमोहक होता होगा, क्योंकि आप खुद ये दृश्य देख के समझ सकते हो। सामने की ओर अच्छा खासा वाटरफॉल गिरता होगा, तो वाटरफॉल जब गिरता होगा तो बारिश का जो नज़ारा होगा एकदम अद्भुत होता होगा। और ये काफ़ी बड़ा परिसर है ऊपर की ओर, और आपको यहाँ आना चाहिए केव देखने के बाद में। पे मैं हूँ, घूमने के लिए अच्छी जगह है, काफ़ी बड़ा व्यू है, फ्लैट सरफेस, सब तरह का 360 डिग्री व्यू मिलेगा आपको। ऑल अराउंड इसमें और 1-2 घंटा घूम सकते हो आप, और ऊपर भी जा सकते हो जाना है तो, वहाँ रास्ता दिया हुआ है।
तो अभी फिलहाल मैं ऊपर का व्यू एक्सप्लोर करने के बाद मैं अब नीचे की ओर जा रहा हूँ, मैं जो मैप पॉइंट की ओर जाऊँगा। तो आप ये देख सकते हैं मैप पॉइंट पर फिर से मैं आ गया हूँ और यहीं से आपको एग्जिट वे दिखाई देगा, तो उससे आप बाहर की ओर चले जाओगे। बेटर स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, यहाँ से ठीक है। अभी मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, बट आपको यहाँ से चालू करना है, फिर ए घूम के फिर यहाँ से रिटर्न होकर एग्जिट होना है। तो रास्ते में ही आगे चलते ही मुझे अनानास खाने का मौका मिला, क्योंकि काफ़ी भूख भी लगी थी और प्यास भी लगी थी, तो ज़रूर आप वहाँ अनानास खा सकते हो। और आगे जाते ही आपको बंदर भी देखने मिलेंगे जो काफ़ी सुंदर है। और जैसे ही आप एग्जिट पॉइंट की ओर जाओगे तो बाजू में MTDC का आपको फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, तो आप खाना खा सकते हो, जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट के बाजू में ही MTDC की ये फूड रेस्टोरेंट बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हो यही वह होटल है और यह होटल में रहने की भी सुविधा है, और ऑनलाइन बुक करके आप आते हो तो यह MTDC में भी आप बुक कर सकते हो। तो अभी मेरी अजंता क्यू की जर्नी को मैं समाप्त करता हूँ। तो अभी मैं शटर बस स्टैंड की ओर जा रहा हूँ, तो वहाँ से बस पकड़ के मैं मेन हाईवे तक पहुँचूँगा। तो इसमें दो बस अवेलेबल है, AC और नॉन AC, तो जो बस आएगी वो पकड़ के मैं हाईवे की ओर जाऊँगा। तो फाइनली AC बस पकड़ के मैं टी पॉइंट की ओर पहुंच चुका हूं। और जैसे टी पॉइंट की ओर आप जब पहुंचोगे तो कुछ शॉपिंग करना है, तो शॉपिंग स्टॉल्स भी बने हुए हैं, तो वहां से आप कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो, और कुछ नाश्ता या स्नैक्स करना है तो वो भी कर सकते हो। तो वहां छोटे छोटे स्नैक्स फूड कोर्ट बने हुए हैं, तो आप वहाँ स्नैक्स कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार अभी मैं बस पकड़ के जा रहा हूँ सेंट्रल बस स्टेशन। तो अभी मैं खड़ा हूँ फिलहाल हाईवे पे, यहाँ से मुझे जो बस मिलेगी वो मुझे 2 घंटे में सेंट्रल बस स्टेशन औरंगाबाद पहुँचाएगी, और यहाँ यह पॉइंट से आपको हर आधा आधा घंटे पर बस मिलती है औरंगाबाद के लिए। तो फाइनली मैं बस स्टैंड पहुंचने के बाद में मेरी सेकंड प्लेस भी एक्सप्लोर करने वाला था, जिसका नाम है सिद्धार्थ गार्डन एंड जू, जो सुबह 5 से रात 8 बजे तक चालू रहता है। अभी मैं गार्डन की ओर जा रहा हूं और करीब 4 बजे की ओर मैं पहुंचा था औरंगाबाद। तो 4 बजे से मैं 2 घंटे के लिए एक्सप्लोर करने यह गार्डन में जा रहा हूं। इसमें जू भी है, बट मंगलवार के दिन जू बंद होता है, तो मैं फिलहाल मंगलवार के दिन ये प्लेस घूम रहा था, तो सिर्फ गार्डन एक्सप्लोर करूंगा, बट जू का कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जू तो फिलहाल बंद है, तो मैं गार्डन एक्सप्लोर कराऊंगा। तो गार्डन में जाने के लिए एंट्री टिकट आपको 20 रुपये लेनी होगी, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको मिल, और जैसे ही अंदर जाओगे तो जू की टिकट भी आपको लेनी होगी, जो 50 रुपये की है। अंदर गार्डन में आपको अच्छे टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़े काफ़ी बड़े परिसर में यह गार्डन है, और अंदर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का चिन्ह भी बनाया हुआ है। और अंदर जाते ही आपको जू भी देखने मिलेगा, जो फाइनली मंगलवार को बंद होता है। और यह गार्डन में काफ़ी सारे टॉय के स्टैचू बने हुए हैं, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, तो मेरे इस वीडियो में आप देख सकते हो। और फिश होम आपको मिलेगा, वहाँ 10 रुपये की टिकट लेके अलग अलग प्रकार के फिश देख सकते हो, वो भी अच्छी जगह, बट मंगलवार होने की वजह से ये फिश घर भी बंद था। तो आप जब भी सिद्धार्थ जू गार्डन में जाते हो तो मंगलवार के दिन जू और फिश घर बंद रहता है, इसका ध्यान रखें, गार्डन ओपन रहता है बट जू और फिश घर बंद रहता है। तो ये है टिकट काउंटर,
तो इसी प्रकार मेरा सिद्धार्थन गार्डन की जो जर्नी है जो मैंने 2 घंटे में एक्सप्लोर कर ली है, सर मेरी डे 3 की जर्नी समाप्त करता हूँ। और अभी मैं शाम का समय है तो अभी मैं खाना खाने के लिए जाऊंगा, तो आज स्पेशल डिनर होने वाला है तो आप इस वीडियो में देखना, जो काफ़ी स्पेशल होटल है जिसका नाम है भोज थाली। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो ये होटल का मेन परिसर है जिसे भोज होटल कहा जाता है और यहाँ लंच और डिनर फेमस थाली मिलती है, इसके अलावा कुछ फूड नहीं मिलता है, लंच और डिनर के लिए स्पेशल है। तो थाली का कॉस्ट है 350 जो अनलिमिट रहेगी और इसकी स्पेशलिटी है कि गुजराती और मारवाड़ी मिक्स थाली आपको खाने मिलेगी। फाइनली मैं ये होटल में आ गया हूँ तो ये देख सकते हो, फाइनली मैं आया हूँ, गुजराती मारवाड़ी थाली है, भोज होटल है। तो 3 दिन औरंगाबाद एक्सप्लोर करने के बाद मैं सर्च किया तो इनका होटल का नाम भोज करके है, मुझे पता चला कि अच्छा मिलता है थाली वाला भोज। तो मैंने भी यूट्यूब पर सर्च किया था तब मेरे को इनका होटल मिला, तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ इनका खाना, तो मैं भी आप लोग भी अगर ट्राई कर रहा होगा तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा एंड में कि कैसा था खाना। तो कमी लगा इनका स्टाफ है, तो फाइनली आप लिस्ट देख सकते हो, अपना होटल भी है, छाछ है, पूरी डिटेल है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको एक खाने के बाद। ओके फ्रेंड्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ बुक लेने। और फाइनली मुझे खाना काफ़ी अच्छा लगा, मेरा खाना खा के हो गया है। तो ज़रूर आप औरंगाबाद आए, तो अगर 3 दिन की प्लान करते हो तो मेरे तीनों वीडियो में पूरी डिटेल दी है, तो अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तीनों तो आप इजीली औरंगाबाद एक्सप्लोर कर पाओगे, होटल, फूड और कैसे घूमना है, तो सभी प्रकार की जानकारी मैंने देने की कोशिश की है मेरे 3 वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, और कुछ सजेशन रहेगा तो प्लीज़ देना मुझे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए आप राह देखें, और भी नई नई जगह पर मैं नए नए वीडियो लाते रहूँगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।